नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक देख रहे हैं आप, और इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बेहद सख्त टिप्पणी की है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि आपके बयान के कारण ही देश का माहौल बिगड़ा है। नुपुर शर्मा को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि कई FIR के बावजूद दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को छू तक नहीं पाई। ये नुपुर के राजनीतिक असर को बताता है। नुपुर शर्मा के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में शिकायतें दर्ज करवाई गई थी। इन सब याचिकाओं को नुपुर ने दिल्ली ट्रांसफर करने की गुजारिश की थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा कि वह हाईकोर्ट का रुख करें। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौतम द्वारा CJI को दी गई पत्र याचिका में नुपुर शर्मा के खिलाफ ही जस्टिस सूर्यकांत के द्वारा की गई टिप्पणी को वापस लेने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नुपुर शर्मा को फेयर ट्रायल का मौका मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी से जुड़े नुपुर शर्मा मामले में कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का पूरा माहौल बिगड़ा है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। इसके अलावा अदालत ने दिल्ली पुलिस को भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने सभी FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि टीवी चैनल ने कोर्ट में विचाराधीन मुद्दे पर डिबेट क्यों की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने पूछा, टीवी चैनल को इस मामले पर डिबेट करने की क्या जरूरत थी, केवल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए। नुपुर शर्मा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुनवाई में कहा कि सिंह ने तर्क दिया कि बयान उकसाने की स्थिति में दिए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर एक ही समुदाय के भीतर गंभीर बहस चल रही है और शर्मा की टिप्पणी इससे हटकर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चैनल के पास इस मामले पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने आगे कहा कि अगर शर्मा बहस के कथित दुरुपयोग से व्यथित हैं, तो उन्हें एंकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी। पीठ ने शर्मा की टिप्पणियों को खारिज कर दिया और कहा कि उनकी ढीली जुबान ने देश में आग लगा दी और उदयपुर हत्या जैसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। कोर्ट ने कहा, उसने देश भर में भावनाओं को भड़काया है। देश में जो हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले जिम्मेदार है। जैसे ही शर्मा की ओर से पेश एडवोकेट मनिंदर सिंह ने उनके द्वारा जारी लिखित माफी की ओर इशारा किया, अदालत ने कहा उन्हें टीवी चैनल में जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने माफी मांगने में भी देरी की है और वो भी सशर्त रूप से कहती हैं कि अगर भावनाओं को ठेस पहुंची है। इस दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में अपमानजनक बातें कह रहे थे। नुपुर का किसी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा, अगर कोर्ट का ये नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी। जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल की प्रवक्ता होने से किसी के खिलाफ अपमानजनक बातें करने का लाइसेंस नहीं मिलता है। उन्होंने आगे कहा, ये बिल्कुल भी धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काऊ बयान देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा पर निचली अदालतों को दरकिनार कर सीधे शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाने पर भी आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा, याचिका में उसके अहंकार की बू आती है कि देश के मजिस्ट्रेट उसके लिए बहुत छोटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अयोग्यता पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को तगड़ा झटका दिया है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 11 जुलाई को ही अन्य केसेस के साथ ही इस मसले पर सुनवाई की जाएगी। इस मसले पर तत्काल सुनवाई नहीं हो सकती। 11 जुलाई को बहुमत परीक्षण की चुनौती देने वाली अर्जी समेत सभी मसलों पर एक साथ सुनवाई करेंगे। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु की ओर से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए थे। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद वकील कपिल सिब्बल भड़क गए और उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी का डांस नहीं चल रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आंख खोलकर बैठे हुए हैं। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर कर महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों को उनकी अयोग्यता पर अंतिम निर्णय होने तक सदन से निलंबन की मांग की है। शिंदे और उक्त विधायकों के खिलाफ अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई हैं। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने शुक्रवार सुबह सीनियर वकील कपिल सिब्बल द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मुख्य याचिकाओं के साथ 11 जुलाई को आवेदन पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। सिब्बल ने कहा, 29 जून के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, कोई विलय नहीं किया गया। आप सदन को कैसे नियंत्रित करने जा रहे हैं, किसके व्हिप का पालन किया जाना है? जिस क्षण उन्होंने शपथ ली है, उन्होंने पैरा 2 के तहत अयोग्यता का सामना किया है, वो पार्टी नहीं है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र कोई तमाशा नहीं है। जस्टिस कांत ने कहा, मिस्टर सिब्बल, हम इस मुद्दे से अवगत हैं, हमने अपनी आंखें बंद नहीं की हैं, हम 11 जुलाई को विचार करेंगे। एकनाथ शिंदे और 15 बागी विधायकों द्वारा डिप्टी स्पीकर द्वारा शुरू की गई अयोग्यता कार्यवाही को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं में याचिका को इंटरलॉक्यूटरी अर्जी के रूप में स्थानांतरित किया गया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने 27 जून को शिंदे समूह को डिप्टी स्पीकर के नोटिस का जवाब देने के लिए समय 12 जुलाई तक बढ़ाकर राहत दी थी। 2 दिन बाद राज्यपाल ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। हालांकि राज्यपाल के निर्देश को शिवसेना ने चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून को इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। एकनाथ शिंदे ने गुरुवार नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नए आवेदन में तर्क दिया गया कि एकनाथ शिंदे गुट द्वारा किए गए विद्रोह के बावजूद मूल शिवसेना राजनीतिक दल उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बना हुआ है। आवेदक का तर्क है कि दोषी विधायकों ने भाजपा के मोहरे के रूप में काम किया और चूंकि उन्होंने दल बदल कानून का संवैधानिक उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें एक दिन के लिए भी सदन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 30 जून को महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट कराने की अनुमति दे दी। शिवसेना के मुख्य सचेतक सुनील प्रभु ने एक याचिका दायर की थी, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 30 जून को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि याचिका के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि एनसीपी के 2 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना के साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के 2 विधायक विदेश में है और उन्हें एक दिन में शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा लेने को कहा गया है। शक्ति परीक्षण इतने कम समय में कराने का राज्यपाल का आदेश चीजों को गलत तरीके से या गलत क्रम से कराने जैसा है। उन्होंने कहा कि न्यायालय को उस वक्त तक शक्ति परीक्षण कराने की अनुमति नहीं देनी चाहिए जब तक कि डिप्टी स्पीकर बाकी विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर फैसला नहीं करते हैं। जिन विधायकों ने पाला बदल लिया है, वे जनता की इच्छा को प्रदर्शित नहीं करते हैं और जल्द शक्ति परीक्षण नहीं हुआ तो कोई आपदा नहीं आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये समझते हैं कि सदन में शक्ति परीक्षण ही लोकतंत्र के इन मुद्दों का हल करने का एकमात्र तरीका है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एनके कॉल ने कहा कि स्पीकर के समक्ष अयोग्यता कार्रवाई लंबित रहना, शक्ति परीक्षण में विलंब कराने को
का कोई भी आधार नहीं है और लोक सॉलिसिटर जनरल ने महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष अपनी मतदाता सूची तय नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह अपने निर्वाचक मंडल का फैसला नहीं कर सकते हैं। सदन में बहुमत साबित करने में देरी नहीं की जा सकती है और कुल मिलाकर राज्यपाल संतुष्ट है। मुकेश अंबानी और परिवार की सुरक्षा मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को अंबानी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका और आंकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी वह मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था। सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह चाहते हैं कि अपील पर जल्द ही सुनवाई हो क्योंकि उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों को अंबानी परिवार को संभावित खतरे के संबंध में मूल दस्तावेजों के साथ मंगलवार को उनके समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही उच्च न्यायालय ने कहा है कि अब और स्थगन नहीं दिया जाएगा। इस मसले पर मंगलवार को सुनवाई हुई और फैसला आया। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने केंद्र से रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मुंबई में सुरक्षा मुहैया कराने के आधार पर खतरे की आशंका का ब्यौरा मांगा था। इसके खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दरअसल हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र को अंबानी, उनकी पत्नी और बच्चों को खतरे की आशंका और आकलन के संबंध में गृह मंत्रालय के पास रखी व मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई थी। हाईकोर्ट ने 21 जून 2022 के अंतरिम आदेश के माध्यम से केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बच्चे आकाश, अनंत और ईशा के संबंध में खतरे की धारणा और मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा रखी गई मूल फाइल को रखने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर उन्हें सुरक्षा दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी परदीवाला की अवकाशकालीन पीठ को बताया कि हाईकोर्ट को जनहित याचिका पर सुनवाई करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार की सिफारिश पर केंद्र द्वारा अंबानी परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए जाने से त्रिपुरा सरकार का कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने विकास साहा नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर 31 मई और 21 जून को दो अंतरिम आदेश पारित किए थे। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि एक व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका में आदेश पारित किया गया है जिसका इस मामले में कोई अधिकार नहीं है और वह सिर्फ एक मध्यस्थ इंटरप्लॉपर है जो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से छात्र होने का दावा करता है। याचिका में ये भी तर्क दिया गया था कि कुछ प्रतिवादियों को सुरक्षा कवर प्रदान करने के केंद्र सरकार के फैसले की न्यायिक समीक्षा करने के लिए हाईकोर्ट की बहुत ही लिप्तता पेटेंट से ग्रस्त है और कानून की त्रुटियों को प्रकट करती है और इसमें माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। केंद्र सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय को बताया गया था कि सुरक्षा बलों द्वारा प्राप्त खतरे की रिपोर्ट के आधार पर 2013 में मुकेश अंबानी को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी और 2016 में नीता अंबानी को वाई प्लस श्रेणी सीआरपीएफ सुरक्षा दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के जज को कदाचार का दोषी ठहराने के आदेश को रद्द किया है। आदेश में कोर्ट ने कहा है कि केवल स्थगन अनुरोध की अनुमति देने के कारण जज की ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि खुली अदालत में ऐसी कई तथ्यात्मक स्थितियां होती है जो कि हमेशा जज की ऑर्डर शीट में नहीं आ सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निचली अदालत के एक पूर्व जज के खिलाफ अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया। आदेश में जज को कदाचार का दोषी ठहराया गया था। साथ ही अदालत ने उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश भी रद्द कर दिया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें अन्य बातों के साथ भ्रष्ट या परोक्ष कारणों से जमानत देने और बेहद कमजोर आधार पर स्थगन देने का दोषी ठहराया था।
याचिकाकर्ता निचली अदालत के पूर्व जज ने दिए गए स्थगनों के संबंध में अनुशासनात्मक प्राधिकारी की ओर से पेश तर्कों से असहमति प्रकट करते हुए चीफ जस्टिस रवि मलिमत और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा, स्थगन देने में संबंधित जज न्यायोचित था या नहीं, ये केवल ऑर्डर शीट और मामले को कितनी बार स्थगित किया गया है देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है। खुली अदालत में ऐसी कई तथ्यात्मक स्थितियां होती हैं जो हमेशा जज की ऑर्डर शीट में नहीं आ सकती हैं। कई सबमिशन, कई अनुरोध और कई ऐसी घटनाएं बार और बेंच की चर्चा के बीच छोड़ दी जाती हैं। यह आवश्यक नहीं है कि एक खुली अदालत में एक एडवोकेट के कहे प्रत्येक शब्द को ऑर्डर शीट में दर्ज किया जाए। कोर्ट में बैठा जज वकील के एक एक शब्द को दर्ज करने वाला स्टेनोग्राफर नहीं है। याचिकाकर्ता का मामला ये था कि अधिकारियों ने उसके खिलाफ विभागीय जांच करने का प्रस्ताव रखा था, ऐसे न्यायिक आदेशों से संबंधित था जिसे उसने तब पारित किया था जब वह अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में तैनात था। जांच अधिकारी ने जज को आरोपों से ये कहते हुए मुक्त कर दिया था कि उन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद मामले को अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष रखा गया जिसने जांच अधिकारी के निष्कर्ष को उलट दिया, जिसके बाद जज ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश और निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसके विपरीत प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि जांच अधिकारी की निष्कर्षों को उलटने में अनुशासनात्मक प्राधिकारी उचित था। ये प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता से न्यायिक अधिकारी होने के नाते उच्चतम स्तर की ईमानदारी और सत्य निष्ठा बनाए रखने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा। अतः प्रतिवादियों का तर्क था कि उनका आक्षेपित आदेश पारित करना न्यायोचित था। इन टिप्पणियों के साथ कोर्ट ने आक्षेपित आदेशों को रद्द कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता बर्खास्तगी की तारीख से बकाया वेतन का 25% यानी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का हकदार होगा। प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के वेतन, उसके पात्रताओं और सेवानिवृत्ति लाभों को नए सिरे से जारी करने का निर्देश दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट। कालकाजी मंदिर परिसर कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनाधिकृत कब्जाधारियों को परिसर खाली करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने कालकाजी मंदिर परिसर की धर्मशालाओं में रहने वाले लोगों और पुजारियों को ये कहते हुए परिसर खाली करने का निर्देश दिया था कि पुजारी यहां रहने के निहित अधिकारों का दावा नहीं कर सकते। मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शहर के कालकाजी मंदिर में धर्मशालाओं के कुछ अधिनिकृत निवासियों को परिसर खाली करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 जून के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें शहर के कालकाजी मंदिर में पुजारियों और अनधिकृत लोगों को 6 जून तक परिसर खाली कराने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने रहने वालों को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक के समक्ष एक हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा कि वो एक शांतिपूर्ण खाली कब्जा सौंप देंगे। सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सचिन पाटिल ने कहा कि जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 जून को मंदिर के पुनर्विकास के लिए पुजारी की बेदखली पर रोक लगा दी थी। दूसरी तरफ मंदिर प्रशासक के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता अवैध कब्जेदार हैं और वो ना तो बारीदार हैं और ना ही भक्त हैं। 5 मार्च के उस आदेश का उल्लेख करते हुए जिसके द्वारा शीर्ष अदालत ने मंदिर में अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने को चुनौती देने वाली याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। पीठ के पीठासीन जज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंदिर के वकील से पूछा कि क्या उन्होंने इसे नोटिस में लाया था। वकील की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने SLP को खारिज कर दिया, लेकिन अनाधिकृत रहने वालों को परिसर खाली कराने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया। हालांकि हम याचिकाकर्ताओं को पुनर्वास के लिए वैकल्पिक स्थानों के आवंटन समेत अपनी शिकायतों के साथ हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक से संपर्क करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। कोर्ट ने आदेश में कहा, यदि याचिकाकर्ता शांतिपूर्ण खाली कब्जे को सौंपने के लिए प्रशासक के समक्ष अंडरटेकिंग दाखिल करते हैं तो उन्हें 2 सप्ताह की अवधि के लिए कब्जा बनाए रखने की अनुमति दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कालकाजी मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों से मंदिर के आसपास बसे पुजारियों को उनकी संपत्ति से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया।
मंदिर के पुजारियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान पुजारियों के वकील ने कहा कि उनके पास सभी राजस्व रिकॉर्ड हैं जो बताते हैं कि वो वर्षों से ये संपत्ति इन पुजारियों के कब्जे में है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट भी इसकी पुष्टि करती है। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मंदिर के पुजारी आमतौर पर मंदिर के आसपास रहते थे और इस मामले में भी ऐसा ही रहा है। उन्होंने कहा, पुजारी मंदिर के पुनर्विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनकी धर्मशालाएं और घरों को इसके तहत नहीं गिराया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरवरा राव की सुनवाई के लिए तैयार वो हो गए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस साल मई में भीमा कोरेगांव मामले में राव और दो अन्य आरोपियों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उच्च न्यायालय के दिसंबर 2021 के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें डिफॉल्ट जमानत के से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस एस एस शिंदे और जस्टिस एन जे जमादार की बेंच ने कहा था कि फैसले में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी, जैसा कि आरोपी ने दावा किया था। पीठ ने कहा कि समीक्षा आवेदन में सूचीबद्ध जमानत के आवेदनों को कभी भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। भीमा कोरेगांव के आरोपी वरवरा राव की जमानत मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट राव की जमानत के मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा। आज वरवरा राव की तरफ से वकील आनंद ग्रोवर ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि वे 82 साल के हैं, इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। दरअसल वरवरा राव ने मेडिकल के आधार पर मुंबई हाई कोर्ट से जमानत दिए जाने की मांग की थी। राव की जमानत वाली याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देते हुए राव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उधर मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले के सभी आरोपी सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गार्डलिंग, शोभा सेन और महेश राउत की जमानत याचिका खारिज कर दी। आवेदन 2018 में इस आधार पर डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए दायर किए गए थे कि अदालत द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए जांच एजेंसी को दिया गया विस्तार कानून का उल्लंघन था। एनआईए ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के लिए दिए गए समय को बढ़ाने की चुनौती बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष उठाई गई थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और विस्तार को बरकरार रखा। विशेष न्यायाधीश राजेश कटारिया ने प्रतिद्वंदी तर्कों की जांच के बाद याचिका खारिज कर दी। पिछले साल 8 आरोपियों को उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर 2021 को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि एक अन्य सह आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी। उच्च न्यायालय ने अपने 1 दिसंबर के आदेश में अन्य 8 से भारद्वाज की याचिका का सीमांकन करते हुए कहा था कि पुणे पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन की तारीख पर डिफॉल्ट जमानत के लिए भारद्वाज का आवेदन लंबित था। ब्यूरो रिपोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने नाबालिग की 16 सप्ताह की गर्भ समाप्त करने की अनुमति दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके पास बच्चे को जन्म देने या ना करने का विकल्प है। नाबालिग रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत, पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 में गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। पीठ ने कहा कि गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करना उसे गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने के समान होगा, जो न केवल उस पर बोझ होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक नाबालिग को 16 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी, जो यौन शोषण का शिकार थी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में कस्टडी में है। जस्टिस ए एस चंदुरकर और जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा है कि बच्चे को जन्म देने या न देना एक महिला की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अविभाज्य हिस्सा है, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उसे बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, उसके पास बच्चे को जन्म देने या ना देने का विकल्प है। याचिकाकर्ता नाबालिग है और उसने हत्या का अपराध किया है और वह एक ऑब्जर्वेशन होम में हिरासत में है।
जांच अधिकारी को पता चला कि वह यौन शोषण के कारण गर्भवती है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि वह आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से है और यौन शोषण के कारण भी उसे आघात लगा है, जिसका वह लगातार सामना कर रही है। उसने दलील दी कि उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए एक बच्चा पैदा करना मुश्किल होगा। ना तो वे आर्थिक रूप से सक्षम है और ना ही मानसिक रूप से। इसके अलावा ये एक अवांछित गर्भ है। पीठ ने एक मेडिकल रिपोर्ट मांगी जिसमें देखा गया कि उसकी गर्भ 16 सप्ताह की है। हालांकि कोर्ट ने उसके गर्भ को समाप्त करने के लिए सहमति दी। पीठ ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 की धारा 3 में गर्भ को समाप्त करने का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा कि कुछ स्थितियों में 12 सप्ताह के बाद गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता नाबालिग है और अविवाहित है, वह यौन शोषण का शिकार है। इसके अलावा वह हत्या के एक अपराध के लिए एक ऑब्जर्वेशन होम में उसे रखा गया है। वह एक गरीब पृष्ठभूमि से है। वह ये भी तर्क देती है कि गर्भ अवांछित है और वह गंभीर आघात से पीड़ित है। पीठ ने कहा कि गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देने से इनकार करना उसे गर्भ जारी रखने के लिए मजबूर करने के समान होगा, जो न केवल उस पर बोझ होगा बल्कि इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीर चोट पहुंचेगी। इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ कोर्ट्स दिस वीक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।